subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दिव्या दृष्टि के अपडेट को लेकर हाजिर है, जहां पर कहानी में शेखर की एंट्री तो हो रही है, लेकिन एक बड़ी तबाही शेरगिल परिवार में देखने को मिलेगी, क्योंकि कैदी नंबर 401 धोखा देकर शेरगिल परिवार में आ तो गया है। अब देखना होगा कि क्या वो अपने मकसद में सफल हो पाएगा या फिर नहीं। असली शेखर तो पिशाचिनी को पता है क्या किया था उसने बचपन में शेखर के साथ। पाताली शेखर से प्यार करने लगी है, उसे शेखर से असली वाला प्यार हो गया है। वैसे आपको बता दें कि जब असली शेखर का चेहरा सामने आएगा तो फिर पूरे शेरगिल परिवार की रूपरेखा अलग ही होने वाली है। दरअसल ट्रैक पर शेखर को पहले तो रक्षित ढूंढने के लिए जाता है। शेखर मिल जाता है तो पूरा शेरगिल परिवार भावुक हो जाता है। शेखर की मां तो रोने तक लगती है। महिमा उसको चुप करवाती है। वहीं अपने मकसद को पूरा करने के लिए अब मुरारी क्या करने वाला है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मुरारी और कोई नहीं बल्कि शेखर ही है, उसका पुराना नाम है, यानी कि गांव में रहता है मुरारी, और वैसे उसका असली नाम शेखर है। पिशाचिनी पाताली को नर्क का अखबार मिलता है। दोनों माँ बेटी को पता लग जाता है कि नर्क का कैदी नंबर 401 कितना शातिर और चालाक है। पिशाचिनी परेशान है अपने रत्न को हासिल करने के लिए, जहाँ पर वो सोचती है शेरगिल परिवार में पाताली देखने तो गई है, अब मैं भी चली जाती हूँ। वहीं पिशाचिनी के सामने सच आ जाएगा, फिर धमाका होगा। पिशाचिनी उसके साथ मिलकर तबाही मचाती हुई नजर आएगी शेरगिल परिवार में। तो दोस्तों, इस सीरियल की कहानी के अंदर जो भी टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, उसके हर अपडेट को लेकर आप सभी फैंस के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज़रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।